प्रभु से अपने पुत्रों के मिलन का क्षण आ गया है। प्रणाम प्रभु श्री राम। राम राम श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम। राम राम श्री राम। राम 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 श्री प्रभु। कौन हो तुम दोनों? क्या नाम है तुम्हारे? मेरा नाम कुश है और मेरा नाम लव है। कुश लव 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 कुश कुश बहुत सुंदर नाम है तुम्हारे। बहुत सुंदर। प्रभु को तो आभास ही नहीं है कि उनके कोई पुत्र भी हैं और मैं माता को दिए वचन से बद्ध हूँ। सब जानकर भी मैं प्रभु को सत्य से अवगत नहीं करा सकता। अब तो आशा है कि ये बालक ही कुछ ऐसा करें जिससे आज इन पिता पुत्रों का मिलन हो जाए। किंतु अब ये किन्हें ढूंढ रहे हैं? क्या हुआ मुनि कुमारो, किसे ढूंढ रहे हो? प्रभु श्री राम, जिनके लिए आपके हाथों से शिव धनुष भंग हुआ। जिनके लिए शूर्पनखा की नाक काट दी गई। जिनके लिए खरदूषण को अकेले ही मृत्यु दे दी आपने। जिनके लिए लहरों पर राम सेतु बनाकर 100 योजन का समुद्र पार किया आपने। लंका गए रावण का वध किया आपने। वो पवित्रता की प्रतिमूर्ति देवी स्वरूपणी माता सीता कहाँ है? ये कैसा प्रश्न पूछ लिया प्रभु श्री राम से लव कुश ने। बताइए ना प्रभु श्री राम, आपकी अर्धांगिनी जो इस संपूर्ण अयोध्या की श्री समृद्धि और सुख का कारण थी, वो कहाँ है? उन महान त्यागमयी माता के चरण छूकर हम अपने भाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं। यदि इन बालकों को ये ज्ञात हुआ कि
की एक छोटी सी बात को लेकर माता का त्याग कर दिया है प्रभु ने, तो इन बालकों के कोमल हृदय पर न जाने क्या बीतेगी। कहीं इन दोनों राम भक्तों की श्रद्धा न टूट जाए। मैं तो प्रभु के सुख के लिए ये कर रहा था, किंतु प्रभु कहीं और अधिक दुखी न हो उठे। क्या होगा जब इन बालकों को ज्ञात होगा कि माता सीता ही इनकी वो माता है और प्रभु श्री राम इनके पिता। अब क्या उत्तर देंगे प्रभु अपने ही पुत्रों के प्रश्न का। कोई तो बताइए कि कहाँ है माता सीता। बताइए ना आप सभी, माता सीता कहाँ है? कहाँ है माता सीता, बताइए ना। अयोध्या की पूरी राज्यसभा मौन क्यों है? क्या यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो मुझे माता सीता के बारे में बता सके? या फिर कुछ ऐसा है जो कोई हमें बताना नहीं चाहता? आप सबकी ये मलिन मुख मुद्राएं, झुके हुए शीश, इस सत्य का संकेत है कि माता सीता के साथ कुछ अनिष्ट हुआ है। बताइए ना प्रभु, क्या वो स्वयं अयोध्या छोड़कर चली गई, या किसी ने उन्हें अयोध्या से बाहर भेजने का पाप किया है? राजधर्म के निर्वहन के लिए मुझे सीता का परित्याग करना ही होगा। माता सीता कहाँ है? क्या यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो हमारे प्रश्न का उत्तर दे सके? लव कुश, पुत्र, राज्यसभा की गरिमा बनाए रखने के लिए कभी कभी कुछ प्रश्नों का अनुत्तरित ही छोड़ देना उचित होता है। होगी तुम माता सीता की भांति पवित्र, किंतु मैं राजा राम नहीं हूँ। पत्नी के प्रेम में राजा राम तो दुर्बल हो गए हैं, जो महीनों भर पर पुरुष के आ रही अपनी स्त्री को अपना स्वीकार कर लिया है। लक्ष्मण, सीता को ले जाकर गंगा के पार तामस नदी के घने वन में छोड़कर आना होगा तुम्हें। हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। ये क्या हो गया? मैं तो प्रभु से उनके पुत्रों का मिलन कराना चाहता था, उनका सुख लौटाना चाहता था, किंतु प्रभु और अधिक दुखी हो जाएंगे ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम स्वयं इन दोनों की पहचान कभी उजागर नहीं करोगे। कहाँ है माता सीता? प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी है माता सीता, फिर उनके साथ क्यों नहीं थी वो? खुश, गुरुदेव जी ने हमें संपूर्ण रामायण सिखाई है, अतः उन्हें तो ज्ञात होगा ही माता के बारे में। हाँ लव, बालकों का कोमल मन प्रभु के निर्णय के सार को समझ नहीं सकता, इसलिए ना महर्षि कुछ बता पाएंगे और ना ही मैं। और अब ये प्रश्न
बालकों के भावुक हृदय में शूल की भांति चुभता रहेगा। सौभाग्य है मेरा कि महर्षि जवन स्वयं यहाँ पधारे, वो भी आज, जबकि आज ही के दिन मेरे पुत्र स्वामी से मिलकर आने वाले हैं। मैं व्यग्र हूँ ये जानने के लिए कि मेरे रघुनंदन अपने पुत्र को पहचान पाए हैं या नहीं। आगे ये तो प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहे हैं, खीनता के चिन्ह है इनके मुख पर। पुत्र, ये है महर्षि चवन। महर्षि चवन, प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो पुत्रों। महर्षि चवन यहाँ पर? माता ने बताया था कि आप भी श्री राम के भक्त हैं, तो आपको तो अवश्य ज्ञात होगा कि माता सीता अयोध्या में क्यों नहीं है। हमें कोई कुछ नहीं बता रहा, किंतु आज हम माता सीता के बारे में सब जानकर ही रहेंगे। आपको सौगंध है हमारे शीश की ऋषिवर, बताइए क्या हुआ था माता सीता के साथ। वो श्री राम की अर्धांगिनी होकर भी क्यों उनके साथ नहीं थी अयोध्या में? महर्षि चवन ऋषि, अब क्या करेंगे ऋषिवर? यदि अभी इन्होंने सब बता दिया तो ये अबोध बालक कुछ अर्थ का अनर्थ न निकाल ले। देवी सीता का त्याग करना पड़ा प्रभु श्री राम को। त्याग करना पड़ा? माता सीता का त्याग? ये क्या किया आपने ऋषिवर? क्या सोचेंगे ये श्री राम के बारे में? कैसे समझेंगे कि श्री राम को विवश होकर ऐसा करना पड़ा? कहीं माता के बारे में ना बता दें कि उनकी माता ही सीता है। नहीं नहीं, ऋषिवर ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो ऐसा नहीं कर सकते। माता सीता के लिए उन्होंने समुद्र लांघा, रावण का वध किया। हृदय से प्रेम करते हैं वो माता सीता से, फिर कैसे उन्हें स्वयं से विलग कर सकते हैं श्री राम? क्योंकि प्रजा ने देवी सीता पर अपवित्र होने का लांछन लगाने की भूल की थी। अपवित्र? अग्नि परीक्षा देकर उन्होंने अपनी पवित्रता का प्रमाण दे दिया था, फिर कोई कैसे उन्हें लांछित कर सकता है? वो देवी सीता के पतिव्रत धर्म की अग्नि परीक्षा थी और ये राजा श्री राम के राज धर्म की अग्नि परीक्षा थी। राजा को अपनी प्रजा की इच्छाओं के समक्ष अपने सुखों का ही नहीं, अभी तो अपने परिजनों का भी त्याग करना पड़ता है। ऐसा करके प्रभु श्री राम ने आदर्श राजा की मर्यादा का उदाहरण प्रस्तुत किया है संसार के समक्ष। नहीं, ये निष्ठुरता है, अनुचित किया है प्रभु कहलाने वाले श्री राम ने। क्या सोचा था और क्या हो गया? ये तो बड़ा ही अनर्थ हो गया। इन्हें ज्ञात नहीं है कि इनकी माता ही सीता है। ऐसी स्थिति में भी ये इतने अधिक रुष्ट हैं प्रभु से, और जब इन्हें ये ज्ञात होगा कि इनकी माता के साथ ही ये सब हुआ है, तब कहीं ये अपने पिता से ही विद्रोह न कर बैठे, मिलन के स्थान पर शत्रुता न हो जाए। जिन श्री राम ने अपनी उन अर्धांगिनी का त्याग किया, जिन्होंने पग पग पर उनका साथ दिया, राजसी सुख त्याग कर वन वन भटकी,
रावण से प्रताड़ना सही, किंतु अपने श्री राम के सम्मान में तनिक भी कमी नहीं आने दी उन्होंने। उनके द्वारा किया गया मेरा ये सम्मान स्वीकार नहीं है मुझे। हाँ, नहीं चाहिए हमें श्री राम का ऐसा सम्मान। हमारा परिवार तो जुड़ने के स्थान पर इन मोतियों की भांति ही बिखर के रह गया है। और क्या करूं मैं, कितनी मर्यादा का पालन करूं मैं, और क्या कराना चाहता है ये राजधन मुझसे। टूट कर बिखर चुका है ये राम, और कितनी पीड़ा सहनी होगी मुझे, कितनी पीड़ा। श्री राम से संबंधित कोई भी वस्तु हमें नहीं चाहिए। हाँ, हमें नहीं चाहिए। लव, कुश, टूटी हुई है तुमसे प्रभु श्री राम को समझने। माँ, उन्हें प्रभु मत कहिए। स्थिति तो और भी गंभीर होती जा रही है। पुत्र, ऐसा नहीं कहते। वो तो माता सीता जैसी पतिव्रता का त्याग करने वाला प्रभु कहलाने के योग्य कदापि नहीं हो सकता। माँ, कल्पना करके तो देखिए, वो प्रभु राजभवन में बैठे हैं और उनकी अर्धांगिनी वो कैसे कैसे कष्ट सहकर अपना जीवन व्यतीत कर रही होंगी। जीवन भर का विश्वास तोड़कर कोई अपनी जीवन संगिनी को छोड़ दे तो कितनी पीड़ा होती है उस जीवन संगिनी के हृदय में। एक एक क्षण कैसे बिताती है वो आपको देखकर इतना तो बोध हो ही गया है हम भाइयों को। जानती, तुम दोनों अब सब कुछ समझने लगे, परंतु तुम दोनों अब इतने परिपक्व नहीं हुए जो ये समझ सके कि एक राजा को राजधर्म निभाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। प्रजा के कल्याण के लिए कैसे कैसे त्याग करने पड़ते हैं। माँ, संसार के कल्याण के लिए उन्होंने जो किया वो प्रशंसनीय है, किंतु अपनी पत्नी के प्रति भी कुछ दायित्व था उनका, जिनका निर्वाहन करने में वे असमर्थ रहे। फिर कैसे हम उन्हें प्रभु की श्रेणी में रखें। पुत्रों, तुम दोनों जिन्हें अपना पिता मानने से अस्वीकार कर रहे हो वो तुम्हारे अपने पिता हैं। अब क्या होगा, कैसे जुड़ेगा मेरे प्रभु का परिवार। जब इन बालकों को सत्य का पता चलेगा तब कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम। बालक अबोध होते हैं, जो दिखता है उसी को सत्य मानते हैं, किंतु बड़ों का कर्तव्य है कि उनका सही मार्गदर्शन करें।